ओके गाइस, एक पेट्रोल स्टेशन पे रुके हम और पेट्रोल प्राइस यहाँ पर ये है थाईलैंड में, दिस इज डीजल, डीजल ना डीजल कार, तो पर लीटर प्राइस 5 लीटर 6 लीटर का 92 जैसा उठ रहा है भाटी, तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या रेट है यहाँ पे। तो मतलब इंडिया के मुकाबले यहाँ पर सस्ता है, और कर्ण बता रहे थे कि पेट्रोल 29 भाट पर लीटर के हिसाब से शायद इंडियन करेंसी में बैठता है। और इस तरफ कैफे है, वंस अगेन हम लोग पेट्रोल स्टेशन पर रुके हुए अभी बैंकॉक जाने के रास्ते में, और इस तरफ कुछ कैफे है रिफ्रेशमेंट के लिए। ऐसे स्टेशंस पर ज़्यादातर 7-Eleven स्टोर और KFC आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टोर्स पे, मतलब इस तरह के स्टेशन पे, पेट्रोल स्टेशन पे मैंने 7-Eleven स्टोर देखा है। अब समय है यहाँ से निकलने का, सब बैठने वाले हैं और मैं भी अपने इस वैन में बैठ रहा हूँ। अभी मैं लगा देता हूँ, AC चल रहा है और ये है मेरी सीट। ओके, समय हो रहा है अभी 2:28 हो गया है और मैं अभी तक बैंकॉक में हूँ। मतलब मौशित बस स्टैंड अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है बाहर बैंकॉक में, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे होगा। और वट अरुण और 2-3 चीज़ मुझे और देखना था जो इस मैप में जो मैं लिया था डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टूरिस्ट सेंटर पे, तो ये मैप काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन दिक्कत ये है कि समय कम होता जा रहा है धीरे धीरे। मैं सोच रहा था कि 1:30 बजे तक अगर पहुंच जाता तो ये सारी पॉइंट को कवर कर लेता। एक तो ग्रैंड पैलेस था जो घूमने में थोड़ा समय लगता है, और एक है चिनातो एंड फरुअत फहूरत वत अरुण और टेंपल ऑफ रिक्लीनिंग बुद्धा वट फाव जिसे कहते हैं। तो ये 3 चीज तो मुझे देखना था क्योंकि ये एक ही जगह पर है। अब समय कैसे मैनेज होगा मुझे पता नहीं, और कब पहुँचूंगा क्योंकि अभी भी 20 किलोमीटर मौशित बस स्टैंड यहाँ से है गूगल मैप पे जो दिखा रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है जैसे लेट हो रहा है। बट स्टिल गाड़ी काफ़ी तेज़ चल रही है, देखते हैं कब पहुँचते हैं। और पूरे वैन में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ अभी बैठा हुआ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है बस टर्मिनल, मौशित बस टर्मिनल है ये, और यहीं पर कहीं पर मौशित का BTS स्काई ट्रेन है जो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, 80 बाट बोल रहे थे अभी मैंने एक जन से पता किया, तो अभी जाकर देखना पड़ेगा, खुद से पता करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, आसपास नहीं है यार। यहाँ 60 फट से नीचे बात नहीं कर रहे, ये जो नीचे टैक्सी वाले हैं इस तरफ बाइक टैक्सी वाले 60 फट बोल रहे हैं जो पार्क है चतुचक पार्क, जबकि यहाँ से बिल्कुल बगल में दिखा रहा है बट बोल रहे हैं 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। मैं खुद रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा हूँ और देखता हूँ वहाँ से कितना दूर पड़ता है चतुचक पार्क। मैं दूसरी तरफ वो जो मॉन्यूमेंट सब है जिसका नाम है वट अरुण वगैरह, उस तरफ नहीं जा पाऊँगा क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा। एयरपोर्ट भी यहाँ से करीब 12 किलोमीटर और आगे, शायद 12-17 किलोमीटर कुछ तो है। गाइस, ये 7-Eleven शॉप है और यहाँ पर बहुत सारा वेजिटेरियन फूड आपको मिल जाएगा काम चलाने के लिए, इंक्लूडिंग बहुत सारे तरीके ब्रेड
फिर पाइन एप्पल, फिल्ड पाई, बहुत सारे टाइप के वेजिटेरियन खाना यहाँ पर आपको जो कि रेडीमेड है वो मिल जाएगा। तो अगर 7-Eleven शॉप में आप हैं तो आपको कुछ भी चीज़ का मतलब टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है इंक्लूडिंग सोया मिल्क, कॉफ़ी। तो मेरे खाने का तो यार इंतज़ाम हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ हैं जिसका कीमत मैक्सिमम का कीमत 30-40-50 बाहर के अंदर है, तो अच्छा ऑप्शन है ये। तो गाइज 58 भारत में मैंने एक कॉफ़ी लिया, हॉट कॉफ़ी लैटे, और ये पाइन एप्पल पाई लिया एक, और दो सोया मिल्क लिया मैंने, जो कि 58 भारत का टोटल पड़ा। एक जगह मैंने देखने में बड़ा लजीज लग रहा था बट मैंने इसे उठा लिया था, बट ये पॉर्क का था तो फाइनली मैंने पूछ के इसे रख दिया, वरना वैनिला समझ के मैं उसको खा ही जाता। चलिए यहाँ से तो काम हो गया, और 7-Eleven में थाईलैंड में सब कुछ अवेलेबल होता है, सारे काम की चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको खाने पीने का पार्ट टाइम जो भी अगर लेना है तो आप यहाँ पर आकर आराम से खा पी सकते हैं, और एक जगह बैठ के तो पहले मैं खा लूँगा क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और उसके बाद देखता हूँ चट्टू चक मार्केट जाऊँ, कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम बड़ा ज़्यादा हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि एक मार्केट 6 बजे मुझे जाना है, बट अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पहले तो मैं खा लूँगा उसके बाद फिर देखता हूँ। गाइस जो चीज़ मैंने भूटान में नोटिस किया था, रोड क्रॉस करते समय गाड़ियाँ रुक जाती हैं, यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। मतलब दूर से अगर कोई गाड़ी बहुत तेज़ भी आ रही है तो वो रोक देते हैं। तो ये चीज़ थाईलैंड में भी बड़ी अच्छी है, भूटान में भी बड़ी अच्छी थी। मतलब अभी तक दो डेस्टिनेशंस में मैंने बैक टू बैक ये चीज़ देख ली है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ रचदा ट्रेन नाइट मार्केट करके एक है, जो कि यहाँ से करीब 11 किलोमीटर है। तो सोच रहा हूँ वही देखाता हूँ कैसा मार्केट है, और घर वालों के लिए कुछ लेके नहीं गया तो इस बार गोली मार देंगे मेरे को। तो अगर कुछ मिल जाता है तो थैंक गॉड, भगवान कुछ दिलवा देना, छोटी मोटी चीज़ें। तो इसलिए सोचा कि चलो नाइट मार्केट ही देखा जाए। अब यहाँ से बाइक टैक्सी वाले 260 घाट मांग रहे थे, तो मैं सोचा थोड़ा आगे चल के देखते हैं। करीब 100-150 मीटर अभी मैं आगे आया हूँ एज़ पर गूगल मैप, आगे चल के देखता हूँ कुछ अगर मिल जाता है तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बैंकॉक बोल रहा है कि आपको फिर से वापस आना पड़ेगा, एक बार में काम नहीं चलेगा, क्योंकि बैंकॉक तो मैंने ठीक से देखा ही नहीं। बस अभी पटाया से आते हुए साउथ पटाया से हम लोग इंटर किए, और जो एयरपोर्ट का एरिया है या मस्जिद बस स्टैंड है वो काफ़ी मतलब नॉर्थ में पड़ता है। तो ये टैक्सी मीटर वाले रुक गए हैं, पता नहीं कहाँ। तो गाइज मैं कैब के ज़रिए जा रहा हूँ 150 भाट में, मैं रचदा ट्रेन नाइट मार्केट पहुँचूँगा। और व्हाट्स योर नेम? नेम निनोय। निनोय, सो दिस इज़ निनोय, और मैं इनके साथ जा रहा हूँ। सो आई एम क्रिएटिंग वीडियो फॉर यूट्यूब। लिटिल इंग्लिश। ओके। सो 150 भाट में ठीक है पहुँच जाएंगे, और फिर वापस में वहाँ से एयरपोर्ट चला जाऊँगा मार्केट देखकर। गाइस मैंने अभी लिया है एक, ये देखो क्या है, ये आम का जो होता है ना खट्टा, मतलब कच्चा आम जो हम लोग काट कर निकालते हैं घर पे जिसका अचार बनता है, ये बोला है 20 भाट में इतना सारा। ये लगता है मैं घर जाते जाते तक खाता रहूँगा। और इसके साथ नमक मिला, और ये स्टिक इसके साथ,
तो बड़ा मज़ा आता है खाने में ये। और अपने समय में तो जब आम शुरू पड़ता है जून वून के समय में तब अपने को मिलता है मई जून के आसपास, लेकिन यहाँ पर हर समय लगता है मिलता रहता है। मतलब अभी भी सीज़न है आम का, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा यहाँ मिल रहा है अभी भी, तो 20 भाट का ये है। अच्छा गाइस, एक मस्त बात बताता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा और 150 भाट में मुझे कैब मिल गई। कहाँ उससे 10 कदम पीछे जब मैं पूछ रहा था, 10 तो नहीं 100 मीटर पीछे जब मैं पूछ रहा था कैब मतलब बाइक टैक्सी से, तो 260 भाट 200 भाट उससे नीचे कोई आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आगे बढ़ के देखता हूँ, शायद कुछ और बाइक टैक्सी मिल जाए। और देखो कभी भी ना ऐसा, मुझे मैंने सुबह भी एक्सपीरियंस किया, सुबह में भी 200 भाट बोल रहे थे बस स्टैंड आने का पटाया में, और मैंने थोड़ा सा बस जब आगे बढ़ा 200-400 मीटर तो मैं फ्री में काम हो गया, हिच हाइकिंग करके मैं पहुंच गया बस स्टैंड। और अभी भी थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखो नए ऑप्शन मिल गए। तो कभी भी इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा मतलब नए उसको अपने आप बन जाएंगे। जब भी अगर कुछ आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो थोड़े दिन इंतज़ार रखो, पेशेंस रखो, अपने आप काम बन जाता है। तो अभी भी बन गया। और इस समय मैं एस्प्लेनेड मॉल के आगे हूँ, हालांकि जो नाइट मार्केट ट्रेन मार्केट है वो अंदर की तरफ है, जो 5 बजे खुलता है जैसा मैंने बताया आपको।